Hey guys, press the bell icon on YouTube app and never miss another update with Teleglam. Hi, मेरा नाम मान्या सिंह है एंड आप टेलीग्राम देख रहे हैं. मैं झोपड़पट्टी की लड़की हूँ. okay. मैं मिस इंडिया भी बहुत छः सात साल मेहनत करके बनी थी. मुझे नहीं लगा कि मेरी लैंग्वेज कहीं गलत थी. मैं रियल मान्या ऐसी ही है. रियल मान्या जो बस में ट्रैवल करती है, लोगों से लड़ाई करती है ट्रेन में, मैं यही हूँ कि सब घर में कहीं ना कहीं प्रियंका से डर गए थे. हाय मान्या, वेलकम टू टेलीग्राम. हाय, हाउ आर यू? गुड गुड, थैंक यू सो मच. हाउ आर यू? गुड गुड. सो मान्या, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कैसी रही जर्नी? छोटी सी, स्वीट सी, फनी सी, कॉमेडी सी, क्राई सी, सब कुछ एक में. मैं तो एक्सपेक्ट करके गई थी कि यार पहली बार कोई नॉन सेलिब्रिटी फेस जीतेगा, बट मुझे लगा कि मैं जो हूँ वो बन के रहूँगी तो शायद आगे तक जाऊँगी, बट अनफॉर्चुनेटली वो मेरे ही बैकफायर कर गया, बिकॉज देन आई गॉट टू नो दैट एवरीबडी इज बीइंग फेक. आई शुडन्ट बी सो रियल. ओके, कहना था आपको, मतलब आपको ये कहना है कि आपने अगर रियलिटी दिखाई आपकी तो आप उसकी वजह से आउट हो गए. यार मैं झोपड़पट्टी की लड़की हूँ, लेट मी बी वेरी क्लियर. क्या ही वर्ड्स के सिलेक्शंस आए होंगे. मैं मिस इंडिया भी बहुत छः सात साल मेहनत करके बनी थी, तो मेरे लिए मैंने मिस इंडिया को कुछ देर के लिए साइड कर दिया था जब लोगों ने मुझे मेरी डिग्निटी, मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली या मेरे कलर और मेरे स्किन पे, मेरे चेहरे पे कमेंट किया, तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे दे दिया. और जब मुझे अपने स्टैंड लेने के लिए मेरी लैंग्वेज, मुझे नहीं लगा कि मेरी लैंग्वेज कहीं गलत थी, क्योंकि जब उन लोगों ने गंदी लैंग्वेज यूज़ की तो मैं क्यों पीछे हटूँगी. इट्स ऑलवेज स्ट्रेट. लेकिन आप ये जानना चाहेंगे, आपको अभी मिस इंडिया रनर अप बने 2 साल भी नहीं हुआ है और आप इतने बड़े रियलिटी शो में गए हैं. आप वहाँ पर कहते हैं कि आपको आप यू नो इंडिया की गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं डू यू थिंक इस तरह की लैंग्वेज रिप्रेजेंट करवाना हो सकता है? देखिए, जहाँ तक मुझे पता है कि मैंने हर कंटेस्टेंट को एक रिस्पेक्ट और एक काइंडनेस और एक हम्बलनेस हमेशा रखी है. मैंने तहजीब में ही झगड़ा किया है, लेकिन जब चीज़ें मेरी इंडिविजुअलिटी पे आती है, कि जब मुझे कहा जाता है कि तू कहाँ से आती है, तेरा फैमिली क्या, तेरे परिवार वालों ने क्या ही तुझे संस्कार दिया, तो वो चीज़ें मुझे लगती है कि मैं अपने आप को कैसे फेस करूँगी अगर मैं इनको जवाब नहीं दूँगी. तो अगर व्हेन इट कम्स, जब लोगों ने देखा ना, हमेशा एक तरफा देखा है, कभी भी दो तरफा नहीं देखा है. और आप बोलते हो कि जब आप इंडिया रिप्रेजेंट करते हो तो ठीक है, मैं रियल मान्या ऐसी ही है. रियल मान्या जो बस में ट्रैवल करती है, लोगों से लड़ाई करती है ट्रेन में, मैं यही हूँ. मैं परसों से वही करने वाली हूँ. सो अगर मेरी लैंग्वेज कहीं मिस हो रही है, सो आई एम नॉट सेइंग कि आई एम रिग्रेटिंग, बट वो चीज़ें लोगों ने मुझे बोली है तो मैंने रिएक्ट किया है. और मैं दिल से झगड़ा करती हूँ, दिल से गेम खेलती हूँ, दिल से दोस्ती भी रखती हूँ. सो आई वॉज देयर, रियल आउट देयर. तो अगर लोगों ने कहा कि मान्या की लैंग्वेज गलत थी, तो वो लोगों को ये भी देखना चाहिए कि क्यों गलत थी. क्यों? कभी मान्या ने सामने किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं की. कभी किसी ने बोला क्या कि मान्या सामने से आके बोली ये तू कौन है? मैंने कभी नहीं कहा. नहीं, निमृत और प्रियंका की फ़ाइट नहीं थी वो, जबकि हाँ मैं बीच में नहीं आई थी कहीं ना कहीं, क्योंकि जब प्रियंका को लगा कि निमृत कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि सब घर में कहीं ना कहीं प्रियंका से डर गए थे और सब शांत हो गए थे जब प्रियंका ने बोलना स्टार्ट किया था. तो और मैं चुपचाप किचन में अपना काम कर रही थी, मुझे उस लोगों की मस्ती से कोई लेना देना ही नहीं था. मैं अपना एवोकाडो शेक बना के पी रही थी, क्योंकि उस दिन नॉमिनेशंस हुए थे, तो इट्स लाइक स्ट्रेस ईटिंग थी मेरी. एंड देन उनको कोई और मुद्दा नहीं मिला तो उन्होंने तकिए की बात कर ली. फिर उन्होंने कि तुम कभी भी, मतलब देवर पोकिंग में कि आप बर्तन क्यों नहीं धो रहे हो. मेरा डिनर के बाद तो मैं कभी भी बर्तन धो सकती हूँ. मैं, मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे रीजन से मैं अभी नहीं दूंगी, बाद में दूंगी, आपको ब्रेकफास्ट में बर्तन मिल जाएंगे. सो व्हेन शी केम ऑन मी, कि उनको लगा कि मान्या कुछ नहीं बोलेगी, मान्या पर्सनल नहीं जाएंगे, मान्या बहुत सॉफ्ट है, तो मुझे कहीं ना कहीं तो बोलना था ना कि दिस इज़ नॉट योर किचन. जब अर्चना ने मुझे बोला कि फ्री फंड का खाती है, फुकट का खाती है, तब तो लोगों ने एक बार क्वेश्चन नहीं किया. लेकिन
कि फुकट का खा रही है, क्यों? लोगों को तब क्वेश्चन नहीं आया कि मान्यो कि ये नहीं बोलना चाहिए, अर्चना की लैंग्वेज गलत है? जनता कहीं ना कहीं बायस हो रही है ना, जनता को भी देखना चाहिए ना कि अर्चना ने जब ये बोला मान्या तेरे माँ बाप का है, तुझे लोगों ने लात से मारा है इवन एज अ मिस इंडियन, तब जनता कहाँ गई थी? जब जनता को मेरी लैंग्वेज दिख रही है कि मैंने इंडिया रिप्रेजेंट कर रही हूँ वहाँ पे, तो जनता को ये भी देखना चाहिए कि मान्या को भी कहीं ना कहीं बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया गया है घर में, तब जनता ने कुछ नहीं बोला, क्यों? क्योंकि अर्चना एंटरटेन करती है। ओके, इसके अलावा नॉमिनेशन में जब आप आए थे और आपको शायद साजिद जी ने बताया था कि अर्चना ने आपको बताया कुछ आपको अलग करना चाहिए, तो तब से क्या आप नॉमिनेशन के बाद और ज़्यादा एग्रेसिव होने लगी, या उस वजह से, या उस डर की वजह से कि आप एलिमिनेट ना हो जाओ, उस वजह से आप नहीं? जिस दिन मैं नॉमिनेट हुई थी ना, उस दिन मैं बहुत क्लियर थी कि मैं ही घर जा रही हूँ। आई थिंक आपको उस दिन पता भी चला होगा कि मैं बहुत वोकल थी कि मैं जा रही हूँ, क्योंकि मैं मेंटली, जब मेरे साथ दो लोग नॉमिनेट हुए थे तो मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ अपनी लाइफ में, कि मैंने मिस इंडिया के बाद सीधा बिग बॉस किया है। उन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं जिन्हें लोगों ने पर्सनली बहुत प्यार दिया है, तो उनके पास वोटिंग ऑडियंस बहुत ज़्यादा थे और मेरे पास नहीं थे। तो अगर इट बेस्ड ऑन वोटिंग और कहीं ना कहीं सुम्बुल, शालीन, टीना की एक स्टोरी भी बनती है जो लोग पसंद करें। सुम्बुल ने अभी तक 3 हफ्ते में कोई पर्सनालिटी नहीं दिखाई, बट लोग उन्हें प्यार दे रहे हैं बिकॉज देर इज़ अ स्टोरी। तो मुझे पता था कि अगर वोटिंग बेस पे आएगा तो मैं बाहर हूँ, लेकिन नॉमिनेटेड होने के बावजूद भी आई डिड माई बेस्ट, मैंने अपना ओपिनियन रखा, मैंने अपना मुद्दा उठाया, मुझे जो सही लगा मैंने उसका साथ दिया। तो ये किसी के पुश करने की वजह से नहीं था, इट वॉज ऑलवेज कि अगर मैं जा भी रही हूँ तो एटलीस्ट लोगों को पता तो चले कि मान्या थी कौन। 3 हफ्ते में भी एटलीस्ट आपको, अगर आप मुझे इतने क्वेश्चंस पूछ रहे हो, समवेयर इट वॉज देयर कि मान्या थी। अगर कल को मेरी जगह अगर सुम्बुल रहते तो आपके पास कोई क्वेश्चन ही नहीं होता, सिवाय इतने कि आप शालीन के पीछे क्यों जा रहे थे, एक ही क्वेश्चन होता। तो दिस इज़ द डिफरेंस। अगर वो मुझे कह सकती हैं कि तुझे किसने मिस इंडिया बनाया तो क्या नहीं, वो चीज़ जैसा आप बता रही हो उन्हें, आप भी टीवी का ही शो कर रही हो? नहीं नहीं, मेरा हमेशा से था, उन्होंने बोला तुझे किसने मिस इंडिया बनाया और उन्होंने मुझे अब्यूज़ भी किया था, तब मैंने जाके उन्हें बोला कि आप, जब मैंने एज ए सिर्फ मिस इंडिया, मुझे किसने मिस इंडिया, तो आपको किसने टीवी एक्ट्रेस बनाया, आपने तो सिर्फ टीवी एक्ट किया है, मैंने मिस इंडिया किया है। सो क्लैश होता है ना, अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं तो कुछ ना कुछ आपको बोलूँगी। आपने उस लेवल पे बिलो द बेल्ट जाके मुझे बोला कि आप कौन हो, तुझे किसने बनाया, तूने अपनी शक्ल भी देखी है, अगर आपको ऐसे कोई बोलेगा तो आप क्या रिएक्ट करोगे? आप उन पे फूल बरसाओगे या आप उनको प्यार से बोलोगे नहीं नहीं श्री आई एम सो सॉरी आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए? ऐसे तो आप नहीं करोगे, राइट? मुझे उनके पर्सनल, उनके पेरेंट्स में नहीं जाना था तो मैंने ये बोल दिया। आई एम नॉट रिग्रेटिंग कि मैंने क्यों बोला, अगर कल को मुझे टीवी शो मिलेगा मैं करूँगी, बट उस मोमेंट में मुझे जो सही लगा, उन्होंने मुझे सीधा बोला कि तुझे किसने मिस इंडिया बनाया, तूने अपनी शक्ल देखी है, तेरा लेवल क्या है, तेरी फैमिली क्या है, तो मैं तो बोलूँगी। एंड इवन अगेन मुझे कभी को श्री या कोई भी आके ऐसे बोलता है तो मैं स्टिल वही सेम स्टेटमेंट दूंगी, आई विल नेवर रिग्रेट कि मैंने क्या बोला, बिकॉज इट्स ऑलवेज एक्शन एंड रिएक्शन। एटलीस्ट बोला तो सही, मैं वही बोल रही हूँ ना कि पब्लिसिटी इज गुड, इधर इट्स गुड, पब्लिसिटी इज गुड, इधर इट्स बैड और गुड, सो आई एम ओके विद इट। आज के एपिसोड के बाद भी यू नो लोग कहीं ना कहीं आपको ट्रोल कर रहे हैं ट्विटर पर, इसके बारे में क्या कहना चाहूंगी? आई वुड लव कि वर्स्ट कंटेस्टेंट ऑफ द सीजन, ये क्या कहना चाहूंगी? I'm happy. At least I was the contestant of this season and I did my bit. I think मुझे नहीं लगता कि मैंने कहीं भी गलत किया है। अगर लोगों को लगता है मैं worst हूँ, so I have no problem because I was being myself. मैं जो थी वो हूँ हमेशा से। एक dignity रहेगी जब मैं बाहर आई हूँ, तो मुझे एक proud है खुद में कि मैंने वो 16 लोगों के बीच में खुद को खोया नहीं, या बहुत से लोगों ने ऐसा कर चुके हैं, बट आई वॉज बींग माई सेल्फ। अगर ट्रोलिंग हुई है तो इट्स फाइन,
जैसे मैंने जब मैं मिस इंडिया बनी थी तो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी आए थे, तो मैंने हमेशा पॉजिटिव वे में लिया. ट्रोलिंग भी मैं हमेशा पॉजिटिव वे में लूँगी. सो आई विल हैव नेवर एनी इशू कि भाई लोग ऐसा ट्रोल क्यों करें. इट्स ओके, लोग वैसे भी एक महीने बाद भूल ही जाने वाले हैं. स्टार्टिंग क्या है, अपना अपने साथ अपनी मेहनत हाथ में रहती है, राइट. कल को किसके में हिम्मत है कि परसों जाके वो बोले कि कैन आई गिव माई इंट्रोडक्शन. सो दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ आई होल्ड इन माई सेल्फ कि मान्या पीछे नहीं हटेगी. देखिए जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने नहीं किया, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड काइंडनेस, एंड आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल. जो भी इस जर्नी में आए, मैं बहुत सीखा मैंने. आई विल नेवर डिसअपॉइंट, इतना मुझे पता है, एंड आई विल कीप ऑन वर्किंग हार्ड एंड मेकिंग द इंडिया प्राउड. थैंक यू.